तस्वीरें दो हैं, एक हैवानियत की और एक इंसानियत की। पहली तस्वीर में स्वार्थ रूपी शैतान का नंगा नाच दिख रहा है, दूसरी तस्वीर में मानवीय मूल्यों को सहेजा जा रहा है। पहली तस्वीर लालच और मरती इंसानियत की एक बड़ी मिसाल है और दूसरी तस्वीर निस्वार्थ सेवा और दया भाव जैसे इंसानी गुणों का एक समागम है। जहां एक तरफ केरल में कुत्तों को मारने पर सोने का सिक्का इनाम देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये हैं नोएडा के सेक्टर 46 निवासी युद्धवीर चौहान। आमतौर पर लोग किसी घायल आवारा कुत्ते को देखते हैं और मुंह बनाकर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन युद्धवीर चौहान की नजर जब इस कुत्ते पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और अपने साथ ले आए इस कुत्ते को इसका इलाज करने के लिए। ये कुत्ता बुरी तरह से घायल था, इतना कि युद्धवीर चौहान की नजर इस पर ना पड़ती तो एक दो दिन में इस कुत्ते की मौत हो जाती। युद्धवीर ने कुत्ते के घाव को अच्छी तरह साफ किया, मरहम लगाया, इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए इंजेक्शन भी दिया और फिर अच्छी तरह से इलाज करके कुत्ते को अपने पास अपने घर पर रख लिया कुछ और दिन कुत्ते का इलाज करने के लिए, ताकि कुत्ता पूरी तरह से सेहतमंद हो जाए। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग युद्धवीर चौहान से क्या सबक लेंगे जिनके लिए ये बेजुबान कोई मायने नहीं रखते, जो एक सोने के सिक्के के लालच में बड़ी बेदर्दी से इन बेजुबानों को कत्ल कर रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।